जाता है, क्या इनको बेड चार्ज, क्या इनको नहीं दिखता है सारे मंत्रियों का ये प्राइवेट नर्सिंग होम है। हम हाथ जोड़ के नीतीश जी से कहेंगे आप हमको डिटेन करिए, कहीं भी मेरे घर में डिटेन कर लीजिए, कम से कम कोरोना टाइम में जेल मत भेजिए कि आज मेरा निगेटिव आया है, यदि पॉजिटिव हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा तो फिर एक परिवार को आप क्या दीजिए। बीजेपी अमित कुमार जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी सब आपके समर्थन सर, प्रियंका जी, रजनीश जी, मुकेश जी, मांझी जी, रवीश जी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब, पूरी कांग्रेस, श्याम रजक साहब, एक एक लोग, पूरा फिल्म स्टार, 4 लाख ट्वीट पूरी दुनिया का और पूरी दुनिया खड़ा पप्पू यादव के साथ। लेकिन तेजस्वी नहीं है। लेकिन सर मैं एक आग्रह करूंगा, आरजेडी से ट्वीट करके हटा दी गई सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं सर, आपके समर्थन में आरजेडी ने ट्वीट किया और उसके बाद फिर उस ट्विटर को सर मुझे नहीं पता, डिलीट कर दिया। मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है लालू जी, और आज यदि पप्पू जेल जा रहा है तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है, तेजस्वी खाना खिलाए, तेजस्वी वार्ड में जाए, तेजस्वी जा करके इलाज कराए, रेमडेसिविर दे, ऑक्सीजन दे। क्या तेजस्वी को आपके लोग सहयोग करेंगे तेजस्वी की इस लड़ाई में? यदि तेजस्वी सड़कों पर होंगे तो मैं, तेजस्वी जी सड़कों पर होंगे, हमारा एक एक लोग, हमारा युवा मोर्चा, छात्र और पार्टी, अपनी सेवा दल, जनाधिकार सेवा दल, यहाँ के नेता, हमारे पटना के हमारे अध्यक्ष अपनी जमीन बेच करके खाना खिलाएंगे। आज हमारे खाने को रोक दिया गया है, यदि खाना को रोका गया तो अनिश्चित कारण, मैंने खाना पीना दिन से ही छोड़ दिया, और यदि हमारे खाना को रोका गया अजीवाला देने से गरीब को, तो हम मुंह में पानी भी नहीं लेंगे, पानी भी नहीं लेंगे। सर ये दुनिया देख ली कि पप्पू यादव ने 1.5 महीना नीतीश जी की मदद की है, हम एक एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा है कंधों पर, हमने ब्लैक मार्केटर को रोका है, और यदि पप्पू यादव के मार देने से नीतीश जी का अस्पताल सही हो जाए, एम्बुलेंस फ्री हो जाए, तो कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ आग्रह करेंगे नीतीश जी को बचा लीजिए बिहार प्राइवेट नर्सिंग होम से और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। बेल नहीं देना चाहिए था क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि बेल नहीं टूटने देना चाहिए था? सर बेल अभी नहीं टूटा है सर, बेल की जानकारी नहीं थी, बेल बहुत पहले टूटा था, ये बेलेबुल था, हमें नई नॉलेज में थी। चुनाव के वक्त हुआ तो हाईकोर्ट में हमने फाइल किया, हाईकोर्ट बंद थी, लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन जाते थे। राजीव रंजन जज साहब का आदेश है कि ऐसे समय में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और उसके बाद एक साजिश के तहत वो वारंट लाके जब यहां पर ये गिरफ्तार नहीं कर सके, बेलेबुल था यहां से एसपी और न ही डीएम का, इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि ले, आपका सीधा आरोप बीजेपी पे है, पप्पू जी आपका सीधा आरोप बीजेपी। अब ये जनता फैसला करने दीजिए, चलिए धन्यवाद सर, धन्यवाद फैसला पर विचार करें। मैं पत्रकार लोगों को बधाई देता हूँ, आपने आशीर्वाद और उसको सहयोग किया। Thank you.